वेलकम टू दी न्यूमास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाली वीडियो है। इस वीडियो में हम 70 से 80 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे, और जैसे कि हमारी प्रथा चली आ रही है कि पहले एक थ्योरिटिकल वीडियो, उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्विंग वीडियो, जिससे कि हमारे बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी में आ जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 की मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अजर्सन रीजन, केस स्टडी एंड सो मेनी मोर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 तुम्हें बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, करना वही है, एक पार्ट में मैं करता रहूंगा और दूसरे पार्ट पर आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ दिखाई देता रहेगा। पहले क्वेश्चन खुद से पॉज करना है, पहले वीडियो खुद से पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को वहीं से स्टार्ट करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है कि कहाँ गलती की है या आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है वेरी इजी क्वेश्चन, द बायो सेवर्ट लॉ मे बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म। बायो सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है बायो सेवर्ट, हम जानते हैं बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होता है बायो सेवर्ट लॉ का, है ना, बायो सेवर्ट लॉ का। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो डायरेक्शन वेक्टर से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए डी बी वैक्टर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वैक्टर डी एल क्रॉस वैक्टर आर अपॉन आर क्यूब। दिस इज ए वैक्टर फॉर्म। अब यहां जैसे कि हम जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बायो सेवर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन मतलब वेलोसिटी प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट। मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से अपनी कर्ल फिंगर को डी एल से आर की तरफ को लेकर के जाओ। देखो जैसे ये है, ये था वो वायर, आर्बिट्री वायर कौन सा था, वो ये था बायो सेवर्ट का वायर, है ना। ये छोटा सा एलिमेंट लेते थे करंट एलिमेंट, यहाँ ये होता था डी एल, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हुआ करता था, ये है वो आर डिस्टेंस, है ना। अब हम क्या करते थे, अपनी कर्ल फिंगर को इसकी तरफ को लेके जाओ डीएल से आर की तरफ को। देखो ये डीएल से आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, वेक्टर अंदर की तरफ को, परपेंडिकुलरली इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलरली इनसाइड है। अब करंट ऊपर को जा रही है, करंट तो मतलब ऊपर चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, और करंट मतलब मूविंग चार्ज। तो मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, बी इज परपेंडिकुलर टू वी, है ना, समझ गए। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है जिसके पास कितने टर्न्स है, 100 टर्न्स है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ईच रेडियस, ईच ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10^-2 मीटर करके कन्वर्ट कर देते हैं। कैरी इज ए करंट ऑफ, करंट कितनी कैरी करते हैं भैया, 0.4 एम्पियर की करंट कैरी कर रहे हैं ये। अब इसमें लिखा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखो सेंटर पे इनसाइड होगा, और मैग्नीट्यूड होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, और एन से मल्टीप्लाई कर दो अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है तो। तो यहाँ वी कैन रिटर्न राइट एज म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10^-7, करंट है 0.4, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, और नीचे क्या गिवन है 2 × R कितना है 8 × 10^-2। बहुत बढ़िया, 4 8 2 8, और 2 से दोनों कट जाएंगे कितने 1 टाइम, तो 0.1, ये 0 हट जाएगा उस पॉइंट से, इसका जो पॉइंट है उससे 0 हट जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा पाई, है ना, इनटू ये होगा कितना 3 10^-4 डायरेक्ट कर दिया है मैंने, और यह लिख सकते हैं 3.14 × 10^-4 टेस्ला। इज देयर एनी आंसर मैचिंग विद दिस, यस, π × 10^-4, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ, और यहाँ क्या ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन था, और यहाँ कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिए क्वेश्चन सारे और कर भी लिए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ को। नेक्स्ट जब मूव करेंगे तो यहाँ हमें और चीज़ें देखनी है, है ना, और क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो पार्टीशन कर लेता हूँ जरा, एक जगह फोटो रहेगा, है ना। चलिए भाई, है ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जल्दी से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, पॉज करो, बताओ क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का।
पॉज करो वीडियो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, यहाँ फिगर है, बहुत सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा, है ना, एनालिटिकल क्वेश्चन है। फिगर है यहाँ देखो, इसमें एक फिगर है इस तरह से, ये गिवन है हमें फिगर, यहाँ पे ये वायर है स्ट्रीट और यहाँ से ये इस तरह से रिंग बनाई गई। अब यहाँ से यहाँ डॉटेड लगा करके ओ सेंटर से आर रेडियस गिवन है इसकी, और यहाँ से जो करंट है इसकी वो आई नीचे की तरफ को मूव कर रही है ना, और यहाँ से करंट ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब इसने कहा करंट फ्लोज ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच इज बेंट इन द सर्कुलर लूप, रेडियस आर इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे मैग्नीट्यूड बताना है। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ, कौन कौन सी, एक तो रिंग और एक वायर। तो वायर के लिए मैग्नीट्यूड कैसा होगा, देखो यहाँ अंगूठा रखेंगे तो ऐसे बाहर को, वायर के लिए आउटसाइड और रिंग के लिए भी इनसाइड, वायर के लिए आउटसाइड और रिंग के लिए इनसाइड। रिंग के लिए कल फिंगर रखते हैं, अंगूठा अंदर को जा रहा, रिंग को देखो केवल, कल फिंगर रखो अंगूठा अंदर को तो इनसाइड, और वायर के लिए अंगूठा यहाँ रखो, सही है, और कल फिंगर ऐसे तो आउटसाइड। तो वायर के लिए आउटसाइड और रिंग के लिए इनसाइड, तो क्या हो जाएगा यहां से बी ए, क्या होगा एक वायर, तो देखो वायर के लिए कैसे होगी, वायर के लिए बाहर को, रिंग के लिए अंदर को, तो यहां लिखेंगे बी रिंग माइनस बी वायर, एक के लिए अंदर एक के लिए बाहर। रिंग के लिए मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, सब जानते हैं, वायर के लिए होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ये होता है, कॉमन क्या ले सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और अंदर बचेगा हमारे पास वन माइनस के वन अपॉन पाई। तो क्या आंसर आया है इसका, इसका आंसर है जी डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक, कोई दिक्कत। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन लिखे करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, करंट है आई, क्या फ्लो हो रही 10 एम्पियर के फ्लो हो रही ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ड्यू टू नॉर्थ, देन कितने सेंटीमीटर की ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड बताना स्ट्रेट वायर के लिए, कितना होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, ये फॉर्मूला है वायर का, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 7, और कितना है 10 एम्पीयर की करंट है, और नीचे 2 पाई है, और ए की वैल्यू कितनी 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 2 है, यहाँ पाई से पाई 2 टू सा 4, और 0 से 0 कटा, यहाँ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 5 टेस्ला, ही तो आ गई करंट। अब इसकी क्या बतानी है डायरेक्शन, देखो ऑप्शन दो सही है ए और बी, अब इसमें एक्टिंग डाउनवर्ड एक्टिंग अपवर्ड और बताना है, फोर्स किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, देखो इसमें दिखा है करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये जा रही है भैया, ये करंट ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है करंट, ठीक है भैया। अब इसमें लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ड्यू नॉर्थ ऑन द टेबल, नॉर्थ की वजह से, नॉर्थ से ऊपर से आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है देखो एक्टिंग क्या ऊपर से नीचे आ रहा, ऊपर से नीचे का मतलब ये इस तरह से, तो डाउनवर्ड है ना, कौन से डायरेक्शन में डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज ए वो बी करा, ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, डाउनवर्ड है ना नीचे, तो ठीक है ड्यू टू नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ नीचे को तो अप्लाई करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, जल्दी स्टार्ट करो लिखना और कर ले स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग की बात करते हैं, देखो क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग हैविंग एन टर्न्स एट ए डिस्टेंस एक्स ऑन इट्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू, एक रिंग है ये वाली, इस तरह से रिंग दे रखी है एन टर्न्स से, कितने डिस्टेंस ड्यू टू ए रिंग हैविंग एन टर्न्स एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना, हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट ए डिस्टेंस एक्स, अगर इसकी रेडियस कितनी हो आर हो, हमने फॉर्मूला निकाल रखा है बी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई एन आई ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है रिंग के एक्सिस के लिए। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया, देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट कर दो, जिनको उनको छोड़ के जो चीज़ें जिक्र है, क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र है, रेडियस का जिक्र है, एक्स का जिक्र है, उन्हें रहने दो, बाकी सबको प्रोपोर्शनल बना दो। प्रोपोर्शनल बनाएंगे क्या बचेगा, देखो एन बचा है वाला, इसे स्मॉल एन कह दो, स्मॉल एन क्या रखा क्वेश्चन में, आर स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3 अपॉन 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी नहीं सी, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड करंट के इक्वल, है ना, देख लो भैया म्यू नॉट इंटू टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन द लूप, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं,
सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग ए कॉन्स्टेंट करंट द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विल डिस्टेंड डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है भैया, एक ये है देखो, थिक ये बताया मैंने, थिक कंडक्टर है एक, ये रहा थिक, है ना। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो करंट डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। अब हमने क्या काम किया यहाँ, इसके अंदर, इसके बाहर कोई पॉइंट पी है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी के लिए अगर डिस्टेंस है आर, चलो डी कह रखा है इसने, डी डिस्टेंस करो, डी डिस्टेंस पॉइंट पी के लिए। देखो पॉइंट पी के लिए तो ये वायर सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, हमें क्या पता मोटा वायर है पतला वायर है, मार कर रखा है ऐसे रखा है मेरे लिए, तो मुझे क्या पता मोटा है पतला है, तो अगर मेरे लिए तो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। हम इसके अंदर खड़ा हो जाओ जाकर के इनसाइड, तो कह सकते हैं कि अभी मोटा वायर है जो तो अंदर पहुंचा इसके, ठीक है। तो बाहर के लिए तो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो बाहर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके बी आउटसाइड वो होना चाहिए बीपी, जो इस टाइम बीपी पॉइंट है वो होना चाहिए म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी, मतलब बी जो पी है वो प्रोपोर्शनल टू है वन अपॉन डी के। अब इनसाइड की बात करते हैं, मान लो पॉइंट क्यू है यहाँ, कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल डी डिस्टेंस पर, तो यहाँ से निकल के आता है हमारे पास फॉर्मूला, वो आता है भैया बी इनसाइड, मतलब बी क्यू जो आएगा टू पाई आर इंटू डी, म्यू प्रोपोर्शनल टू डी। तो यहाँ क्या बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है बी क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल किसके बैठेगा, डी के। तो दोनों देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन और यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं फिगर बनाऊँ यहाँ इसका, तुमने बना रखा है कॉपी में देखना, और उसमें भी लिखवा रखा है मैंने, है ना, ये किसके लिए, डिस्टेंस के लिए डी, आर डिस्टेंस है मान लो कोई आर्बिटरी, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इनसाइड के लिए तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा इस तरह से मूव करेगा, है ना, ये आर हो जाएगा इसकी रेडियस जो है। तो कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई बात नहीं, ये अंदर के लिए होता है बाहर के लिए होता है, फॉर्मूला है सिंपल, याद रखना इसका, है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ, तो कौन से क्वेश्चन के बने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बने हमें, गर्मी लग रही है, जैकेट निकाल देता हूँ, है ना। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नाइन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ नाइन क्वेश्चन में गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड इंक्रीज्ड बाय, सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, आई बढ़ा दो तो भी बी बढ़ेगा, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, आई बढ़ाने से इफ आई इंक्रीज बी ऑल्सो इंक्रीज, इफ एन इंक्रीज बी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, ये चीज है। तो क्या लिखा, इंट्रोड्यूसिंग ए मीडियम ऑफ हायर परमिएबिलिटी इफ म्यू नॉट इंक्रीज बी ऑल्सो इंक्रीज, तो थर्ड ऑप्शन ही दे रखा है, म्यू नॉट एंटर करने से परमिएबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी का मटेरियल एंटर करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या, डिक्रीजिंग इट्स रेडियस, रेडियस का जिक्र ही नहीं है, डिक्रीजिंग द करंट थ्रू इट, नहीं, करंट इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा, सी है इंक्रीजिंग इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन का जिक्र ही नहीं है। टेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, टेंथ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस, है ना, इफ द करंट इज डबल देन द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, करंट डबल कर दिए और नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दिए गए। देखो स्टार्टिंग में जो B है वो है B1 वन कैदो से है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, आफ्टर डिड्यूसिंग तो करंट कर दिए दुगनी, तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए हाफ और करंट कर दी गई दुगनी, ठीक है। तो क्या हुआ म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, वो तो वही का वही बैठ रहा है देखो, तो अनचेंज रहा B ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना, कोई चेंज ही नहीं हुआ भैया, अरे म्यू नॉट एन इंटू आई आ गया ना वही का वही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस डी फ्रॉम सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, करंट कैरिंग सोलेनोइड के सेंटर से, ये सोलेनोइड है इसके सेंटर से क्या रिप्रेजेंट करना है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर, देखो सेंटर से जब हम ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, ठीक है बात, सेंटर से ऊपर जाएंगे। अब क्या लिखा है इसने, सेंटर से ऊपर जाने में मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, चलो भाई बात ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें, किस किस के बीच में बनाना है, बी के और डिस्टेंस के, तो देखो ये है हमारे पास और ये है हमारे पास, ये डिस्टेंस हो गई डी, नहीं ये डिस्टेंस हो गई डी हमारे पास, और ये क्या हो गया बी है मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम है और इसके एंड पे मैक्सिमम फील्ड मिनिमम होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर पे म्यू नॉट एन इंटू आई, सेंटर पे मैक्सिमम होगा, तो मान लो ये मैक्सिमम है, यहाँ से यहाँ तक मूव करते करते यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो मैक्सिमम रहेगा, मतलब कांस्टेंट वो रहा कांस्टेंट, उसके बाद बाहर निकलते लाइन दूर दूर तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये होगा कम और ये होगा कम, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये कम हो जाएगा बस, उसके बाद क्या हो जाएगा जीरो वहाँ जाकर के, तो उसके मतलब ही नहीं, सोलेनोइड के लिए रिप्रेजेंट करना है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज, है ना। चलो बात करते हैं किसकी,
टोरॉइड, 12 क्वेश्चन के टोरॉइड इज, टोरॉइड क्या है, रिंग शेप्ड क्लोज सोलेनोइड, बिल्कुल सही बात है। 12 क्वेश्चन को अगर हम टोरॉइड के बाद पूछे इसने, तो टोरॉइड क्या होता है देखो, इस तरह से, ये इस तरह से रिंग बनी हुई होती है इसमें, है ना, सबने पढ़ा है। इनसाइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड करते हैं हम जानते हैं टोरॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, टोरॉइड का आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, टोरॉइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई, ये की पॉइंट है याद रखना। तो टोरॉइड रिंग शेप होती है, इसके ऊपर कॉपर वायर लिपटा हुआ होता है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन सी हो जाए तो आगे ऑप्शन मत पढ़ो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो इसके ऊपर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जल्दी पढ़ो करने की कोशिश करो। 13 क्वेश्चन लिखा है टोरॉइड, कौन सा है टोरॉइड, ए टोरॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने टोरॉइड के 200, कैरीज ए करंट आई, कितनी है भैया करंट 1 एम्पियर, ठीक कोई दिक्कत नहीं। एवरेज रेडियस मतलब मीन रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन ओपन स्पेस इन साइड द टोरॉइड, ओपन स्पेस मतलब कहीं भी टोरॉइड पर, तो टोरॉइड पर कहीं भी टोरॉइड को छोड़ के तो जीरो होगा, मैंने बताया अभी बिल्कुल पीछे किया तो है, टोरॉइड को ऊपर छोड़ करके बाहर हो या अंदर हो ओपन स्पेस पे जीरो होगा, टोरॉइड के ऊपर कुछ ना कुछ होगा जो कि म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई होता है, ठीक है कोई दिक्कत, यहाँ तो जीरो होगा भैया कोई, ये डेटा चकराने के लिए देते हैं। देखो टू टोरॉइड 14 में 1 एंड 2 हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200, एक में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200 और सेकेंड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 रेस्पेक्टिवली विद एवरेज रेडियस, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, वन जो है वो है कितनी 40 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस जो है आर टू वो कितनी गिवन है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और हमसे कहा है इफ़ दे कैरी सेम करंट द रेशो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द लूप्स, रेशो देखो पहले वाली की बात करें तो बी वन हो जाएगा कितना म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई कर सकते हैं, और यहाँ पर रेडियस का तो कोई मैटर ही नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है 200 और वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है 100 और रेडियस भी गिवन है क्या यहाँ, तो क्या इफ़ करंट कै, इफ़ दे कैरी सेम करंट, ठीक है इधर रेशियो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टू लूप्स, दोनों लूप्स के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना, तो भैया रेडियस भी दे रखी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, ठीक है भैया कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, यहाँ हम जानते हैं जो रेडियस दे रखी है, देखो इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किस तरह से निकालते हैं म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2πr, है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है टोरॉइड की 2πr, सर्कमफेरेंस उसकी वही तो लेंथ होती है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो b1 जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है n1 अपॉन r1 के, तो अगर हम लिखे b1 अपॉन b2 यही रेशो निकाले तो ऊपर का n1 अपॉन n2 हो जाएगा, n1 अपॉन r1 इंटू r2 अपॉन n2 यहीं पे हो जाएगा ये, तो यहाँ से हम लिखे तो n1 की वैल्यू कितनी है देखो 200 है n1 की वैल्यू, r2 की वैल्यू कितनी है 20 और यहाँ r1 की वैल्यू कितनी है 40 और n2 की वैल्यू कितनी है 100, देखो सब कट कट आ गए, क्या आएगा आंसर 1:1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है ए इज करेक्ट, तो चकरा जाते हैं बच्चे कभी कभी के रेडियस दे रखी है वो तो फॉर्मूले में है नहीं, तो एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ती, मतलब डिवाइड करना पड़ता है ना, ठीक है भाई। 15 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ देखो 15 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन में लिखा है द करंट इन द वाइंडिंग ऑन ए टोरॉइड इज 2 एम्पियर, देयर आर 400 टर्न्स एंड मीन सर्कमफेरेंशियल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, इफ द इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, है ना, द रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर निकालना है, तो तुम आराम से कर सकते हो, ये होमवर्क है करना कोशिश, नहीं हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर गोइंग ए सर्कुलर मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड क्या होता है चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है 2πm/qb, क्या क्या है मास पे डिपेंड करता है चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड, पहला ऑप्शन स्पीड ऑफ पार्ट स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 देखते हैं यहाँ, 17 विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो तुम्हें बताया वेक्टर वी से अपनी कल फिंगर को वी से बी की तरफ को रखते हैं, तो देखो यहाँ रखो पहले फिगर दिख रहा होगा वी से बी की तरफ को रखेंगे तो फोर्स तो ऊपर जाएगा, ये गलत है पहले की डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन देखो यहाँ वी से बी की तरफ को रखेंगे तो फोर्स कहाँ को जाएगा, फोर्स जाएगा ऊपर को, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही डायग्राम बना है फोर्स का, है ना, कल फिंगर लगा लो, कल फिंगर वी से बी की तरफ को रख दो तो अंगूठा जो होगा फोर्स को दिखाएगा, तो देखो सी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा, वी से बी की तरफ को रखेंगे तो कहाँ जाएगा देखो ये आगे को भागेगा, अरे देखो वी से बी रखोगे तो आगे भागेगा ना ये वी से बी, तो ऐसे तो वही जा रहा है ये। अब 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 पार्टिकल ऑफ मास MA/MB एंड सेम चार्ज आर प्रोजेक्टेड इन परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड, दे ट्रेवल अलॉन्ग रेडियस सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r and r b, अच्छा सर्कुलर पाथ पे कर रहा है तो r a जो है वो रेडियस है वो r b से बड़ी है, ठीक है, तो उसने पूछा नंबर फर्स्ट MAVS greater than MBVB,
रेडियस क्या होते हैं चार पार्टिकल की, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला होता है। जब क्यू और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो आर जो है वो प्रोपोर्शनल हुआ एम वी के, मतलब अगर आर ए ग्रेटर देन आर बी है तो एम ए वी ए जो होगा वो ग्रेटर देन एम बी वी बी होगा। आर की वैल्यू एम बी रख दो तो पहले के लिए एम ए वी ए, दूसरे के लिए एम बी वी बी, तो एम ए वी एस ग्रेटर देन एम बी वी बी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ करें, यहीं लिख दूँ मैं 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन में लिखा है चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव्स इन सर्कुलर रेडियस, इफ वी इज डबल देन रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो जब पता पोटेंशियल दे रखा हो तो कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू पोटेंशियल की फॉर्म में अंडर रूट टू क्यू वी एम अपॉन क्या हो जाएगा क्यू बी, ये पोटेंशियल की टर्म में होता है, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर पोटेंशियल को दुगुना कर दे तो रेडियस क्या हो जाएगी, अगर तुम पोटेंशियल को दुगुना करोगे तो न्यू रेडियस आर डैश हो जाएगी अंडर रूट टू क्यू वी की जगह टू वी कर दो इनटू एम अपॉन क्यू बी, तो देखो टू को छोड़ के बाकी से ऊपर की तरह है तो आर डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट टू टाइम्स इनटू आर न्यू वाला। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलो 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ, तो 20 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 20 क्वेश्चन में गिवन है हमें क्या, टू चार्ज पार्टिकल ट्रांसवर्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ इन कम्प्लीटली अपोजिट सेंस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नोट के, मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल इस तरह से, देखो बी नोट के का मतलब जेड डायरेक्शन, मतलब जेड डायरेक्शन ये है, इस तरह से कर रहा मान लो कोई के का डायरेक्शन ऊपर को जा रहा, तो ये कैसे जा रहा होगा इस तरह से अपोजिट सेंस, मतलब या तो नीचे जा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज करके। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो, इसके चार्ज टू मास रेशो का जो सम है, इन दोनों के चार्ज टू मास रेशो का जो सम है वो जीरो को बैलेंस करे, मतलब इसका चार्ज टू मास रेशो e अपॉन m का जो फर्स्ट वाले का वो e अपॉन m सेकंड वाले को क्या करे बैलेंस करके जीरो के इक्वल नोट करे। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, दे रखा है पहली, ये तो कंडीशन है, ये कंडीशन गिवन दिख जाए तो वो आंसर सही है, तो उसमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन दे दी डी ऑप्शन में, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं क्योंकि कंडीशन मुझे दिख गई थी कि यही कंडीशन तभी वो अपोजिट सेंस में मूव कर सकते हैं हेलिकल पाथ पे। 21 क्वेश्चन ही तक बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन क्या कहता है देखो जरा, यहाँ 21 क्वेश्चन में लिखा है इफ ए वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल हैज बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट व्हाइल मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द पाथ। अब परपेंडिकुलर भी है, अरे वो ये चार्ज पार्टिकल किस एंगल थीटा पे एंटर कराया तो उसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट टूटते हैं, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा टूटते हैं, नहीं तो यही दो कंपोनेंट है, तो कहा तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करता है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को किस एंगल थीटा पे एंटर करते तो कैसा मोशन करता है, हेलिकल मोशन करता है, कोई शक वाली बात है ही नहीं, अरे चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे जाता है ना ऐसे वी वाले तो ऐसे मोशन करता हुआ जाता है, तो ये तो एक कंपोनेंट टूटा वी कॉस थीटा यहाँ टूटता था और एक कंपोनेंट कौन सा टूट रहा है वी साइन थीटा ऊपर लेके जाता है वी कॉस थीटा आगे लेके जाता था, इसी वजह से हेलिकल मोशन होता था। 22 ए बीम ऑफ प्रोटॉन विद वेलोसिटी, एक प्रोटॉन का वो दे रखा है हमें कितना 4×10⁵ पूरा दे रखा है ये, और आगे क्या है टाइम पीरियड दे रखा है हमें कितना 2×10⁻⁷। पिच पूछा है तो पिच कैसे निकालते, पिच होता है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड t, है ना, v cos थीटा कितना 4×10⁵ और टाइम पीरियड कितना 2×10⁻⁷। तो क्या होगा 4×2 = 8×10⁻²− माइनस के, और माइनस टू घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर बन जाएगा पिच। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत, यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं v ले लेते हैं v इंटू वी की वैल्यू 4×10⁵, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है ये वो वाली वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल रही है, तो हेलिकल पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन चलती है v cos थीटा और ऊपर कौन चलती है v sin थीटा, है ना, अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा तो v cos थीटा होगी ये। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इसमें लिखा है लॉरेंज फोर्स कैन बी करेक्टली एक्सप्रेस्ड एज, तो लॉरेंज फोर्स होता है एफ, लॉरेंज वो किस किस का होता है फोर्स इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी, यहाँ से अगर हम क्यू कॉमन ले ले और वेक्टर फॉर्म लिखा तो वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी ऐसे लिखा जा सकता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, ठीक है। तो देख लो भैया ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये है लॉरेंज फोर्स का कॉम्बिनेशन या सम जो भी कह लो तुम्हारी जो भी इच्छा है भाई, है ना, तुम्हें कौन रोक सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, यहाँ ए प्रोटॉन बीम पासेस, चलो अगले आगे करते हैं क्योंकि यहाँ शायद जगह ना बचे, है ना, स्पेस नहीं रहे तो आगे कर ऊपर कर देते हैं। 24 क्वेश्चन को देखो जरा, 24 क्वेश्चन के लिए क्या लिखा है, 24 क्वेश्चन में लिखा है ए प्रोटॉन बीम पासेस विदाउट डेविएशन थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है, विदाउट डेविएशन दिस स्पेस हैज यूनिफॉर्म ट्रांसफर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है ए इज इक्वल टू 220 किलो वोल्ट पर मीटर और मैग्नेटिक फील्ड कितना रखा बी इज इक्वल टू 50 मिली टेस्ला,
कन्वर्ट करो 50 × 10⁻³ टेस्ला, उसे कन्वर्ट करो 220 × 10³ वोल्ट पर मीटर। इसने क्या पूछा, वेलोसिटी और बीम, वेलोसिटी पूछिए बी। हम जानते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला लगाए अगर हम यहाँ, तो वेलोसिटी सिलेक्टर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर के अकॉर्डिंग जो होता है वो ये होता है, वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी होता है भैया, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें हाँ, तो वी इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, 220 × 10³, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 50 × 10⁻³। और ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, 222 × 5 × 10⁻⁶, 5 × 5 = 20, 5 × 20 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। देख लो भैया कितनी आ रही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला याद रखना। 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा है यार, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसके पैरेलल रखा है ये पैरेलल, और अगर ये पैरेलल रखा है ना, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू, तो अब ये पैरेलल रखा है ना, हमें पता है करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अब फोर्स जो होता है वो होता है क्या, आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, तो है ना, अब यहाँ या ऐसे लिखो आई एल बी साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच कहेंगे, एल ओल बी, तो एल तो देखो ये रहा, ये एल ही होता है और बी ये रहा, दोनों की वैल्यू क्या है, पर पैरेलल लाइन है दोनों आपस में, तो थीटा की वैल्यू कितना जाएगी, जीरो, तो थीटा तो फोर्स कितना आएगा, जीरो, अरे पैरेलल है दोनों, जब दोनों पैरेलल है तो थीटा जीरो हुआ, तो फोर्स से जीरो, ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। 26 क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ, 26 क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, है ना, जैसे कि मतलब अगर ये दो वायर है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्स लगाता है F1 और यहाँ फोर्स लगाएगा F2, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से निकाल सकते हो, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही ये ऐसा होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी चीज़ें पढ़नी बेकार है, ठीक है। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो भैया 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें यहाँ, तो 27 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 27 क्वेश्चन में लिखा है, टू लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी कैरिंग करंट आई वन आई टू इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे एग्जर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर, नाउ करंट इन द वन इज देम इंक्रीज टू 2 times एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स, द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज 3D, द न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो फोर्स कितना होता है दो पहले वायर के बीच, दो पहले वायर ये गेरा ये गेरा, दोनों करा है आई वन यहाँ है और करंट आई टू यहाँ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी, तो दोनों के बीच फोर्स होगा 2I1 I2 / D, ये जो इसके प्रोपोर्शनल होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4π की बात करते नहीं। अब सेकंड केस में क्या किया इन्होंने, कुछ हरकत की, सेकंड केस में कुछ हरकत की, तो डिस्टेंस बढ़ा के क्या कर दी, 3D कर दी है, और क्या कर दी, करंट बढ़ा करके क्या कर दी, 2 times, तो देखो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2 × करंट बढ़ा दी गई, कौन से करंट बढ़ा दी, एग्जैक्ट फोर्स ईच, नाउ करंट इन वन ऑफ देम, किसी एक में करंट बढ़ा के 2 नहीं कर दी, मान लो पहले में 2 नहीं कर दी, 2I1 × I2, और जो वो बढ़ा दी क्या पढ़ा दी, डिस्टेंस करके 3D कर दी गई, ठीक है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू हुआ 2/3, और ओल्ड फोर्स का मान लो ओल्ड फोर्स ये तो एफ डैश के इक्वल हो जाएगा, तो ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। निगेटिव क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन करंट की अपोजिट कर दी ना, जब करंट आपकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, कैसा फोर्स है, रिपल्सिव नेचर का हो गया ये फोर्स, रिपल्सिव नेचर का, और ये फोर्स का अट्रैक्टिव नेचर का, तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव तो सेम करना पड़ेगा, तो अट्रैक्टिव इसे भी रिपल्सिव करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा आगे, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की, माइनस को ऐसा समझ के ना, सी प्लस मत कर देना, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज ना करता वो, उसने कहा करंट की डायरेक्शन भी तो चेंज की है, करंट की डायरेक्शन देखो वहाँ दोनों ऊपर जाते, एक करंट नीचे जा रहे, तो अपोजिट आएगा ना, अपोजिट के लिए माइनस का साइन आया, अगर दोनों डायरेक्शन सेम ही रहती, करंट की डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं करता, तो 2F + 3 ही होता पॉजिटिव में। एक करंट कैरिंग, देखो 28 क्वेश्चन, एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक्टिंग ऑन अ प्लेन ऑफ लूप, इफ द फोर्स ऑफ वन आर्म ऑफ द लूप इज एफ, देन द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 arm ऑफ द लूप इज, देखो सिंपल जवाब है, लूप है इस तरह से रखिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा मैग्नेटिक फील्ड, अभी ऐसे सस्पेंडेड है, तो एक बार बताओ इस वाली लूप पे पी और क्यू वाली लूप पे फोर्स लगेगा और आर एस वाली लूप पे फोर्स लगेगा, पी आर वाली लूप पे फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, देखो ऐसे जा रही, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा, दोनों पैरेलल, इस पे कोई फोर्स नहीं, इस पे कोई फोर्स नहीं, तो फोर्स ऑन पी आर इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू एस, जो कि क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम बात करें फोर्स ऑन पी क्यू, वो कितना होगा, अगर F है तो फोर्स ऑन आर एस जो होगा दूसरे वाले पे माइनस का F हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, एक पे ऊपर तो एक पे अंदर, अरे लगा लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो एक पे बाहर आएगा एक पे नीचे आएगा अंदर की तरफ को, तो बाकी तीनों आर्म पे जो फोर्स है वो कितना होगा, ये प्लस ए जीरो और F, मतलब तीनों आर्म पे फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, F1 + F2 + F3
मान लो F1 ये वाला, F2 ये वाला, तो 0 प्लस 0 और दूसरा माइनस के F, तो क्या आया आंसर? माइनस के F। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 29 क्वेश्चन देख लो यहाँ। 29 क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट I ऑफ 12 एम्पियर इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट I ऑफ 12 एम्पियर है ना, प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इसमें लिखा है इफ देर इज एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टीएस लेंथ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जेड ऊपर को है ठीक है, इन विच ओरिएंटेशन द लूप वुड बी स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किस किस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी, किस किस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। देखो फर्स्ट वाले को देखो, जब फर्स्ट वाले को तुम देखोगे तो देखो फर्स्ट वाली लूप कैसे दिख रही है साफ साफ। फर्स्ट वाले पर जब तुम कल फिंगर ऐसे रोटेट करोगे तो मैग्नेट फील्ड बाहर की तरफ को आएगा और वहाँ दिखा के रखा ऊपर की तरफ को, एक तो गड़बड़ हो गई। दूसरे वाले में देखो ऐसे घूम रहा क्लॉकवाइज, फिंगर रखो ऐसे तो मैग्नेट फील्ड ऊपर को दिखा भी ऊपर को रखा तो मतलब ये स्टेबल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है थर्ड में, थर्ड में करंट ऐसे मैग्नेट फील्ड ऊपर को दिखा रहा, करंट ऐसे इधर को जाएगी, लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रही है ना ऐसे, तो मैग्नेट फील्ड अंदर को जा रहा है, लेकिन इसमें क्या दिखा रखा ऊपर की तरफ को। ठीक, ये गलत हो गया। फोर्थ में करंट ऐसे जा रहा तो मैग्नेट फील्ड नीचे दिखा का ना ऊपर को, तो मैग्नेट फील्ड जस्ट अपोजिट है नीचे वाले में, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो सेकंड वाला स्टेबल, फोर्थ वाला अनस्टेबल। समझ में आया? चलो करके दिखाता हूँ मैं, फिगर बनाने पड़ेंगे बस और कुछ नहीं। देखो फिगर बनाते हैं और तुम्हें बताता हूँ कैसा स्टेबल कैसा अनस्टेबल। मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास कोई लूप है यहाँ, चलो मैं पहले फिगर बना देता हूँ उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ, फिर टाइम वेस्ट हो क्या फ़ायदा आपका। देखो ये है वो फोर लूप्स, ठीक है। अब इसमें हम एक स्टेबल और अनस्टेबल वाली कंडीशन बतानी है। अगर तुम्हारे द्वारा लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिखा है उसके साथ चल रहा है तो स्टेबल, अपोजिट चल रहा है तो अनस्टेबल, बस बाकी और कुछ नहीं। इसमें देखो करंट ऐसे फील हो रही है ना, तो हमने लगाया अंगूठे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहा बाहर को, इसमें देखे रखा ऊपर को, ये तो कुछ है नहीं, छोड़ दो इसे। इसके बाद करते हैं नीचे रखी लूप या ऐसे हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है देखो, हमने रखी उंगली अपनी हॉरिजॉन्टल ऐसे रखेंगे ना ऐसे, करंट ऐसे फील हो रही है क्लॉकवाइज, उंगली क्लॉकवाइज रखे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर इसके साथ ही चल रहा, तो मतलब ये सही है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। ये स्टेबल में आ गए भैया। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे जा रहा तो ऐसे रखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा, कुछ है ही नहीं। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को जा रहा, करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रखें तो नीचे को जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। हमारे द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया नीचे की तरफ को, बी डैश वेक्टर कैसा हो गया? अनस्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 कहीं हो तो देख लो सही होंगे दोनों। ठीक है क्या? देखा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 29 था ये, 30 की क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 30 क्वेश्चन कहते हैं द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना है किसका? फुल स्केल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। ठीक है, करंट कितनी है? जो गैल्वेनोमीटर की करंट है IG वो है 5 mA और दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया शंट रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्ट इन वोल्टमीटर। अच्छा, वोल्टमीटर किस रेंज का बताना है? 5 वोल्ट का, वो रेजिस्टेंस बताना। मान लो ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया R, तो इस R की वैल्यू बतानी कितनी है। ठीक है भैया, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R इक्विवेलेंट और IG आएगा, गैल्वेनोमीटर की करंट है। V कितना है? 5। IG कितना रखा? 5 × 10⁻³⁻¹। यहाँ क्या होगा? G+R, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, तो 5 से 5 कटा, ये आ जाएगा यहाँ, तो 1000 हो जाएगा, नीचे जाकर के पावर प्लस हो जाएगी। G कितना है? 1 प्लस के R, तो R की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 999 ओम, 999 ओम। देखो बिल्कुल सही, हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं वैसे भी सीरीज में, तो हाई तो आएगा ही आंसर, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जो शंट होता है। 2 गैल्वेनोमीटर ए एंड बी रिक्वायर्ड 3 mA and 5 mA रेस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस द सेम डिफ्लेक्शन ऑफ आई नॉट डिवीजन देन। तो क्या है, ए इज मोर सेंसिटिव देन बी। अच्छा, हमें बताना है कि 3 mA एक गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है, 5 mA डिटेक्ट कर रहा। अब इसने कहा कि जैसे ही करंट फ्लो कराई गई तो एक 3 mA वाला एक 5 mA वाला, लेकिन डिफ्लेक्शन दोनों सेम दे रहे हैं, तो कौन, तो हमें कुछ बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन है क्या, क्या है पहला ऑप्शन? ए इज़ मोर सेंसिटिव देन बी, चलो मे भी हो सकता है। बी इज़ मोर सेंसिटिव, तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, सेंसिटिविटी की बात है। देखो मैंने बताया सेंसिटिविटी क्या है,
तेज एकदम से, मतलब क्लिक करते एकदम आंसर आना चाहिए, जैसे ही करंट फ्लो करी एकदम डिफ्लेक्ट होनी चाहिए सुई, वो सेंसिटिविटी है। तो मिनिमम से मिनिमम करंट को डिटेक्ट कर ले, जितनी जल्दी जितनी छोटी करंट जाएगी एकदम डिटेक्शन हो। अब ये 5 mA पे और ये 3 mA पे, मतलब ये 3 mA पे जितना डिफ्लेक्शन दे रहा है ये 5 mA पे ही उतना दे रहा है, तो कम सेंसिटिव हुआ ना। ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, जो कम mA पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे, तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन ये दे रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन है ना। सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें यहाँ, तो सेंसिटिविटी के केस में ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, मोर सेंसिटिव है ए। 32 की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। 32 कहता है ए गैल्वन मीटर एक्टिंग एज ए वोल्ट मीटर शुड हैव हायर, अभी बताया हाई रेजिस्टेंस जोड़ना चाहिए भैया सीरीज में, तभी होगा। 33 की बात करें, जब तो वो बनेगा ए गैल्वन मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। जी कितना दे रखा, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वी दे रखा है, कितना 100 mA को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 वोल्ट हो जाएगा डायरेक्टली। अब बिटवीन टर्मिनल गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर, एक शंट रेजिस्टेंस एस बताना है जो इसे एमीटर में कन्वर्ट करे, जो जिसकी रीडिंग कितनी है 5 एम्पियर की, ठीक है भैया। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत, पहले तो आईजी निकाल लो, पहले तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट निकाल लो। तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट जो है वो है वी इज इक्वल टू आई इंटू जी, ये लिखेंगे डायरेक्टली। अब यहाँ से ये आई जो है आईजी हो जाएगा, तो आईजी हो जाएगा, तो वी के वैल्यू कितने 0.1 इक्वल टू आईजी निकालना है और जी के वैल्यू 100, तो कुल मिला के आईजी के वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 100 जाएगा नीचे, तो 10^-3 लिख सकते हैं एम्पियर। ये तो हो गए आईजी, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट हो गई है, ठीक है भैया। अब बात करते हैं किसकी, देखो ऊपर करते हैं, इसी को कंप्लीट करते हैं। अब ऊपर क्या लिखा है, इसमें हमसे पूछा है शंट रेजिस्टेंस, तो शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज में, तो सीरीज के लिए हम जानते हैं क्या है फॉर्मूला सीरीज के लिए, शंट रेजिस्टेंस एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला शंट रेजिस्टेंस का। आई जी की वैल्यू कितनी है 10^-3, जी की वैल्यू कितनी है 100, और नीचे क्या चल रहा है भैया आई, आई कितना दे रखा है 5 एम्पियर, और माइनस आई जी कितना है 10^-3, तो ये तो हो जाएगा 0.1, और नीचे क्या हो जाएगा 5 - 0.001। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देखो जरा, यहाँ अच्छा ऑप्शन आ रहा 0.1 अपॉन 4 क्या आएगा 4.999। अब इसे जब काटेंगे तो समथिंग किसके बाद 0.02, अरे 5 के बराबर हो गया ना 1, तो 0.2 बार कटेगा, तो 0.2 ओम रेजिस्टेंस आ गया, शंट रेजिस्टेंस छोटा ही आता है। तो 34 क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ, तो 34 क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो 34 क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन इज प्रोड्यूस ओनली बाय, मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन मैं, अच्छा किसी भी क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का क्या है, स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज, ऑसिलेटरी चार्ज, बोल देखो मूविंग चार्ज बस ऑसिलेटरी भी, अरे कहीं ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, इसमें लिखा कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है, क्या चार्ज को मूव करा दो, हाँ हो सकता है, क्या दूसरा क्या है, क्या चार्ज रख दो, वो तो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड, सी ऑप्शन ऑक्सीलेटरी चार्ज, क्या चार्ज को ऑक्सीलेट करा दो, दोनों बातें सही है, चार्ज को चाहे मूव करा दो चाहे चार्ज को ऑक्सीलेट करा दो तो भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बहुत आर गए, विच इज ऑप्शन इज डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड बी विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल 45° विद बी द पाथ ऑफ पार्टिकल, अरे 45° बजा रहा है, हेलिकल पाथ होगा, किस एंगल थीटा पे एंटर करता है तो हेलिकल पाथ होगा, है ना। तो क्या ऑप्शन है इसका, 35 के क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ 36 क्वेश्चन में लिखा है ए स्मॉल सर्कुलर फ्लेक्सिबल लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है, इसमें क्लोज लूप रखी है, रखिए भाई। अब जब ये लूप रखे तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये जा रहा है, अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उसके अंदर करंट फ्लो होगी तो इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रखे जाते तो टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है, तो वो टॉर्क होता है टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आई इंटू ए बी साइन थीटा, मतलब अगर टॉर्क, जब टॉर्क घूमेगा तो वायर में टेंशन आएगी, जब कोई चीज़ घूमेगी तो ऐठन आएगी, ऐठन से टेंशन आती है, क्योंकि जब ये घूमेगा ऐसे घूमेगा तो वायर में टेंशन आएगी नहीं आएगी, अरे जब वायर ये घूम रहा तो वायर लपेटा खा रहा तो टेंशन आ रही है, तो टेंशन को डबल करने के लिए किस चीज़ को डबल करना पड़ेगा, या तो देखो यहाँ टेंशन टॉर्क ही तो टेंशन देगा,
टॉर्क ही तो टेंशन डेवलप कर रहा है। तो अगर हम बात करें आई को डबल कर दे तो टेंशन डबल हो जाएगी, बी को डबल कर दे तो भी टेंशन डबल, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, बोथ बी एंड आई शुड बी डबल टू डबल ए टेंशन, बस सीधी सी बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इधर को पढ़ते हैं हम। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में लिखा है इक्वल करंट इज बींग पास थ्रू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में इक्वल करंट पास होते हो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अपोजिट में है तो रिपल, तो मैं पता ही है इस बात का मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, कई बार बता चुका हूँ। नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। 38 क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ, तो मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कूलॉम्ब फोर्स एंड बायो सेवर्ट फोर्स। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड सोर्स। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोर्स के परपेंडिकुलर होता है, अरे वही डीएल और आर के करो तो अंदर की तरफ कुछ जा रही थी उंगली अंगूठा, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग, ये लिखी बात इसमें। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 क्वेश्चन में क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बताना है। देखो पहला इन ए सोलेनोइड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू ऑल टर्न्स। बिल्कुल सही बात है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो सारे जितने भी टर्न्स दे रखे उन टर्न्स पर डेवलप होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के सम के इक्वल होता है, एम्पियर सर्कुलर लूप लगाते थे ना वही है। बी इनेबल्ड वायर आर यूज फॉर वाइंडिंग सो द टर्न आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, इनेबल्ड जिन पे परत छोटी सी पतली सी पन्नी की परत चढ़ी होती है जो इंसुलेशन का काम करती है, जिससे कि अगर वायर एक दूसरे के टच भी हो जाए तो कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तीसरा द फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड अप्रोचेस जीरो एंड एवरीवेयर आउटसाइड बिकम, अरे यार सोलेनोइड के बाहर जीरो होता है अंदर तो मैक्सिमम होता है, इसमें उल्टा लिखा फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड अप्रोचेस टू जीरो, गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर सी ये इनकरेक्ट बात है ना, तो ऑप्शन नंबर सी से इनकरेक्ट बात पूछी थी। 40 क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर पार्टिकल अल्फा ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आयन एंटर इन ए ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर शोन इन फिगर, ठीक है इसमें लिखा है कौन सा पार्ट ड्यूट्रॉन का, कौन सा पार्ट अल्फा पार्टिकल का, कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन का, कौन सा पार्ट क्लोरीन का, तो देखो इस तरह से दिखा रखा है कुछ हमें शायद, ये ऐसे है ना, यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें, यहाँ पे ये क्या है फोर, ये क्या है थ्री, ये क्या है टू, और ये क्या है वन, ठीक है इसमें लिखा है कौन सा पार्ट ड्यूट्रॉन को दिखाएगा कौन। अब देखो अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है ना, और क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का तुम्हें पता है, पॉजिटिव चार्ज जब मैग्नेट फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो क्या होगा सर्कुलर पाथ बनाएंगे, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर को फोर्स लगेगा निगेटिव पे इधर को, मतलब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले ये दोनों निगेटिव चार्ज वाले हैं। तो देखो इसमें अगर बात करें ड्यूट्रॉन के, ड्यूट्रॉन को कौन सा पार्ट शो करेगा, पहला वाला पार्ट ड्यूट्रॉन को शो करेगा, मतलब ड्यूट्रॉन जो ए है वो कैसे शो करेगा पी को, ड्यूट्रॉन को पी वाला पहला वाला ड्यूट्रॉन, क्योंकि ड्यूट्रॉन कैसा हैवी पार्टिकल तो सर्कल कम बनेगा इसका, ठीक है। दूसरा बात करें हम अल्फा, ड्यूट्रॉन अल्फा से तो कमी है, अल्फा पार्टिकल किसका पास शो करेगा भाई, अल्फा पार्टिकल शो करेगा क्यू पार्ट टू क्यू को, क्यू जो बी है वो कैसे शो करेगा क्यू को पाथ टू को, और जो बात है भैया कौन सी वाली की सी की, तो सी किसे शो करेगा एस को पाथ फोर को, और डी जो है वो किसे शो करेगा, डी जो शो करेगा पाथ थ्री को, मतलब के आर को। तो देखो बात यहाँ हम जानते हैं जो अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन से हैवी है तो जिस जो हैवी पार्टिकल है उसका सर्कल ज़्यादा बड़ा बनता है, तो अल्फा पार्टिकल ये वाला इसका सर्कल ज़्यादा बड़ा बनेगा, इसके वाले का कम बनेगा, तो इसलिए यह है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देख लो जरा, इसमें लिखा है कॉलम को मोच कराने ए चार्ज पार्टिकल विद सम इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टेड इन रीजन वेयर नॉन जीरो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। इसमें लिखा है ई इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ई नॉट इक्वल टू बी, इनिशियल वेलोसिटी इज एट एनी एंगल विद बट थीटा 90 नहीं है, तो यहाँ ई इक्वल टू जीरो पे तो हमें पता है देखो किस एंगल थीटा पे कैसा पाथ फॉलो करता है हेलिकल, तो हेलिकल पाथ की बात अगर हम करें यहाँ तो ए का क्या हो जाएगा, देखो भैया क्यू हेलिकल पाथ विद यूनिफॉर्म पिच, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बाकी, यहाँ हेलिकल पाथ विद यूनिफॉर्म पिच, ठीक है ए का क्यू,
बी की बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन इक्वल टू जीरो है एंड इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दी बी, तो यहाँ सर्कुलर पाथ होगा, तो जो बी जो है वो आर को शो करेगा, सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ई पैरेलल टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है एंड इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द केस, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, हेलिकल तो होगा लेकिन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म पिच, अरे ऐसे है और ऐसे है, तो यहाँ पे हेलिकल ऐसे ऐसे ये पिच यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो एस को शो करेगा और बचा को चड्डी, डी किसे बचा कि उस किसको, आर को सर्कुलर नहीं, आर नहीं, पी को स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, स्ट्रेट लाइन देखो ई नॉट इक्वल टू परपेंडिकुलर टू वी, मतलब ई वी सब तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ठीक 42 क्वेश्चन है, देखो इसमें लिखा है ए स्क्वायर करंट कैरिंग लूप एबीसीडी इज प्लेस नियर इन इनफाइनाइटली लॉन्ग अनदर वायर करंट कैरिंग वायर ईएफ, नाउ मैच द फॉलोइंग, नेट फोर्स ऑन बीसी एंड डीए, बीसी और डीए पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो ए का तो यही हो गया भैया हमारे पास क्या, पी जीरो, देखो ये पैरेलल है ना यार, सिंपल सी बात है, बताया तो था ये लूप बनी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गई, दोनों 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 तो साइड पैरेलल हो गई, तो क्या हुआ, पहली वाली का जो ए नेट फोर्स बोला हुआ पी है, जीरो होगा इसका, दूसरे का पूछा है नेट फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी पर जो नेट फोर्स होगा बी वो क्या होना चाहिए भैया, नॉन जीरो होना चाहिए, सीधी सी बात है ना, नॉन जीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा ये अंदर या बाहर, तो कुछ ना कुछ कपल कपल बनाएंगे। सी के बाद नेट फोर्स ऑन कंप्लीट लूप ए बी सी डी, कंप्लीट लूप पे जो नेट फोर्स निकल के आएगा तो वो क्या आना चाहिए, नेट फोर्स निकल वो कांस्टेंट होगा, सीधी सी बात है, सी का क्या हो जाएगा क्यू, वो भी नॉन जीरो ही होगा, सही बात है। और अगर हम बात करें डी का, तो डी क्या चीज़ है, नेट फोर्स ऑन ए बी, ए बी पे नेट फोर्स जो होगा वो कहाँ पे होगा, डी का भी नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो ये कहा इसने किस लूप पे, देखो ए जो ये वाली साइड है इस पर तो पैर डाले तो जीरो हो गया, बी हो सी हो सब पे नॉन जीरो, टोटल लूप पे भी नॉन जीरो, कपल बना रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर किसी एक साइड पे भी नॉन जीरो, क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड तो ऊपर या नीचे होगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड दे रखा, राइट लेफ्ट दे रखा, तो राइट लेफ्ट का तो मतलब ये तो क्या बचा, नॉन जीरो ही होगा, ठीक है, काम खत्म। बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास अजेशन रीजन का फिनोमिना स्टार्ट होता है, अजेशन रीजन का खेल अब स्टार्ट होता है यहाँ से, अजेशन रीजन करते हैं कि कैसे अजेशन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो पहला क्वेश्चन है अजेशन का, टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स ए एंड बी कैरी अनइक्वल करंट इन इनवर्ड डायरेक्शन, देखो देन देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इसमें लिखा है कि यहाँ पे दो वायर है, ये अंदर की तरफ को देखो, ये वायर कैसे रखे अंदर की तरफ को, इधर मारकर अंदर की तरफ को रखा ना ये, तो अंदर की तरफ को दो वायर पैरेलल ही रखे हैं और दोनों को मैग्नेट करंट जो जा रही है वो अंदर की तरफ को जा रही है, ठीक है। देन देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, केवल एक ही पॉइंट जो इक्वेटोरियल लाइन पे होगा जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां जीरो, तो बी जीरो कहां पे होगा, बाहर की तरफ को, बात सही है। इसका रीजन द पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो कहीं से खींचते हो, यहाँ से यहाँ कहीं भी ले जा सकते हो, ये बात भी सही है, तो ये पॉइंट ए और बी के बीच में है, तो ये बात भी सही है, तो अजेशन ट्रू रीजन ट्रू, लेकिन इसकी वजह से जीरो का जीरो ही नहीं, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, अजेशन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजेशन, इन दोनों के मिडल पे कहीं भी हो सकता है, बात सही है कि पॉइंट है बीच में, उसके बाद वो बीच में इसने कहा कि क्या कहा कि एक ही पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा एक्सक्लूडिंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी, चलो तो ये रहा वो पॉइंट है ना इस वाली लाइन पे, सही है, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं जिसे, ठीक। वैसे लिखा है अजेशन द मैग्नेटिक फील्ड 44 में प्रोड्यूस्ड बाई करंट कैरिंग सोलेनोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोड कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ना तो लेंथ का जिक्र है ना क्रॉस सेक्शन एरिया का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मतलब अजेशन करेक्ट है। रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोड इज यूनिफॉर्म, सोलेनोड को अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम और यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि इस तरह से लाइन नहीं चलती है, देखो ये और एंड पे जाके ये ऐसा हो जाती है, एंड पे जाके हो जाती है ऐसा, है ना, तो बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं दोनों ही, है ना, कब अगर इसकी वजह से थोड़े कि इस पर डिपेंड नहीं करता तो इसलिए यूनिफॉर्म होती है, ये तो कोई मतलब ही नहीं हो, है ना, दोनों पर देख सकिए 44 हो गया 45। ए मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विद मूविंग चार्ज एंड नॉट विद ए स्टेशनरी चार्ज, जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस होता है वो किसके मूविंग चार्ज से बनता, बात सही है, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है, जो मूविंग चार्ज है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज इंटरैक्ट करता है, बात सही है, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बात सही है। चलो 46 की बात करते हैं, यहाँ 46 में क्या लिखा है, चलो 40 में लिखा है इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू बी
विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस ये इलेक्ट्रॉन जब है कोई चार्ज पार्टिकल यार मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो फोर्स होगा क्योंकि जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के, देखो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के क्या होगा परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ खींचा यहाँ अंदर यहाँ अंदर, ये सर्कुलर मोशन बनाया तो ये 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 है ना, इस तरह से वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और फोर्स ऐसे, ये वेलोसिटी होती है तो फोर्स ऐसे, ये वेलोसिटी हुआ करती है ये वेलोसिटी तो फोर्स कैसे होगा ऐसे होगा, ये वेलोसिटी तो फोर्स ऐसे, तो कैसे लग रहा अंदर की तरफ, तो इसी वजह से सर्कुलर मोशन है क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ को लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, दोनों बातें सही है। 47 की बात करते हैं यहाँ, ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। जरूरी नहीं है चार पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट से रिलीज करा तो हेलिकल भी जा सकता है, सर्कुलर भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन भी, कोई मेंशन नहीं है ना। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है हमेशा जब भी चार पार्टिकल अंदर जाते हैं, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन ए एंड बी बहुत गलत है ना, मतलब रॉन्ग। 48 में देखो, इफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड इट डज नॉट कंप्लीट ए सर्कुलर पाथ। बात सही है, अगर 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 कोई बाहर से आ रहा तो जरूरी नहीं सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे, वो आधे ऐसे मान लो ये अब मैग्नेटिक फील्ड पूरा नहीं मिला उसे, तो ऐसे घूम करके ऐसे भी जा सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट मिला तभी पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। पावर एसोसिएटेड विद फोर्स एग्जर्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। पावर जो होती है ना बेटे वो होती है एफ इंटू वी, तो यूनिटी क्यों हो जाएगी, यूनिटी होने का तो मतलब ही नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, एडजेशन टू रीजन फॉल्स एडजेशन। 49 क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो 49 ही लिख लो। 49 क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन रीजन वेयर बी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी प्रोजेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिव ऑन द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। जो नेट फोर्स है पार्टिकल इंडिपेंडेंट, सही बात है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्या इसमें मास है कहीं नहीं, चार्ज भी डिपेंड करता है, बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है तो कौन सा फोर्स लगता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला बाहर की तक को लगता है अंदर की तक को कौन सा लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तब जाकर के सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाता है। ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स जो कि सेंट्रिपेटल फोर्स होता है, तो बस ये दोनों बातें अपने बुझेंगे सही है भैया, एडजेशन ट्रू रीजन ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया 50 क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ, 50 क्वेश्चन लिखा है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स वेलोसिटी इज एट सम एक्यूट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस तरह सही है, एक्यूट एंगल जा रहा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के एक्यूट या ऑब्ट्यूस हो तो क्या हेलिकल पाथ प्रोड्यूस करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कॉजेस रोटेटिंग सेंट्रिपेटल फोर्स एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट प्रोड्यूस एनी फोर्स। देखो पैरेलल का ऐसे है ना, ये चार पार्टिकल गया तो एक कंपोनेंट यहाँ टूटता था वी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ टूटता था वी साइन थीटा। अगर पूछा हेलिकल मोशन किसके वजह से करता है, वी साइन थीटा ऊपर लेके जाएगा वी कॉस थीटा लेके जाएगा, तो उसके वजह से चलते चलते घूमते 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 ऐसे घूमने लगेगा, तो वी कॉस थीटा पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है पैरेलल है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी अगर हम बात करें यहाँ तो ये परपेंडिकुलर हो गई, तो यहाँ बात करिए ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, एडजेशन रीजन बोथ आर ट्रू रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एडजेशन बिकॉज इस रीजन की वजह से वो हेलिकल मोशन करता है। 51 क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ, 51 क्वेश्चन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू ए रीजन, सही बात है, इलेक्ट्रॉन का बीम जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो तो वो सीधा निकल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एफ ई वो किसके इक्वल हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स एफ बी के इक्वल हो जाएगा लॉरेंज फोर्स की कंडीशन में ना, जैसे क्या बोलते हैं लॉरेंज फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, वो लॉरेंज फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए तब जाकर के इक्वली हो जाएगा। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मे बी जीरो इन सम केसेस, बात सही है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर किसी केस में फोर्स जीरो भी हो सकता है, बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट, इससे वो मैच नहीं कर रही बात, कभी सोचो यहाँ फोर्स यहाँ लॉरेंज फोर्स जीरो है, हमेशा जीरो नहीं होता ये, इसे लिखा कि है ना। चलो 52 क्वेश्चन की बात अगर हम करें यहाँ, 52 क्वेश्चन लिखा है इफ द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ए सर्कल, ठीक है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी मे रिमेन कांस्टेंट। अगर ये सर्कुलर पाथ नहीं बना रहे, सर्कुलर पाथ नहीं बना रहे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बात सही है। लिखा इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन ए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस नेट फोर्स जो कि क्या कहता है देखो एफ एल लॉरेंज फोर्स को कहते हैं हम, तुम्हें पता है क्यू ई और प्लस के क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, ये लॉरेंज फोर्स है जो कि जब चार पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो कंबाइन फोर्स एग्जर्ट करता है, सही बात है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 53 की बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर, तो उसमें लिखा है क्या अपर वायर शोन इन फिगर इज फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस एक्स, लोअर वायर कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम, क्या लोअर वायर इक्विलिब्रियम में रहेगा ऊपर की बात, सही बात है क्योंकि दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो उसे खींच के रखेगा, दबो इक्विलिब्रियम और लोअर वायर इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नीचे वाला वायर जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, गलत बात है, स्टेबल जरा टच करते भाग जाएगा ये,
अट्रैक्शन का फोर्स था, लेकिन जरा सा टच करा वापस भाग जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, एडजेसेंट टू रीजन फॉल्स। लिखा एडजेसेंट फॉर ए करंट कैरिंग वायर लूप एंड टर्न्स प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाई एम इंटू बी। सही बात है, टॉर्क कितना लगता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, टॉर्क इज इक्वल टू एम इन एम क्रॉस बी। ये बात ठीक है। उसने कहा व्हेन एवर द मैग्नेटिक मोमेंट एम इज परपेंडिकुलर टू बी देन द टॉर्क ऑन द लूप विल बी जीरो। परपेंडिकुलर हुआ तो थीटा 90 हो जाएगा ना, तो जीरो को क्या मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, रीजन गलत है, एडजेसेंट सही है। ठीक है, 55 क्वेश्चन के बाद देखो, 55 क्वेश्चन में क्या लिखा है। 55 में लिखा है द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्शन ऑफ ए करंट पर यूनिट, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द कॉयल, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक बात है, द गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए डिटेक्टर ऑफ चेक इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। बात सही है, जो सेंसिटिविटी है वो क्या, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। हम जानते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन थीटा, और एक इसके लिए आते हैं करंट डिटेक्ट करने के काम आते हैं गैल्वेनोमीटर। बात सही है। 56 क्वेश्चन की बात करें हम, क्या लिखा है, इफ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी आल्सो इंक्रीज। सही बात है, करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो होती है एन बी के अपॉन अपॉन एन बी ए अपॉन के, ये होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है चलो, और वोल्टेज सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ऑल्सो इंक्रीज विद नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज ही होगा। बात सही है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ जितना लेंथ वायर के रखेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है चलो, तो भैया ये बात थी हमारी एडजेसेंट रीजन के जो हमने कंप्लीट किए हैं। बात करते हैं केस स्टडी की, अब केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, यही हमारी सीरीज चलती आ रही है, केस स्टडी भी करते हैं, एडजेसेंट रीजन भी करते हैं और एमसीक्यू भी करते हैं। केस स्टडी देखो, पहली केस स्टडी लिख रही होगी तुम्हें, दिख रही होगी इलेक्ट्रॉन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड वी नॉट मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर नॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दिस इलेक्ट्रॉन इज एबल टू ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ एज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टी नॉट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ डबल टू वी नॉट। अब स्पीड डबल कर दी गई, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज टू, अगर स्पीड डबल कर दी जाए, एक देखो एक बात वही बात है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई चार पार्टिकल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करके कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। भैया ये कर रहा है देखो, सर्कुलर मोशन साफ साफ दिख रहा है हमें। अब इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, इसने कहा कि अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है mv अपॉन qb, चार पार्ट रेडियस है ना चार पार्टिकल की। अब वेलोसिटी को डबल कर दिएगा तो न्यू रेडियस हो जाएगी आर डैश एम इंटू वेलोसिटी की जगह 2v रख दो अपॉन क्यू बी, तो कितनी वेलोसिटी रेडियस हो गई, आर डैश इज इक्वल टू 2r, डबल हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये कौन सा क्वेश्चन है, 57 का आंसर है ना। 58 देखो, यहाँ 58 में क्या लिखा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज टू। देखो टाइम रिक्वायर्ड, टाइम क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2πm/qb। क्या हमने इन तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज करी, नहीं करी, केवल वेलोसिटी चेंज की थी, तो टाइम यही रहेगा टी नॉट ही, टाइम विल बी अनचेंज, जो कि टी नॉट है। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। 59 की अगर हम बात करें, यहाँ 59 में क्या लिखा है, देखो चार पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी में प्रोजेक्ट करता है चार पार्टिकल के अंदर 2i cap + 4j cap बाहर है इनटू 10^2 टेस्ला। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज फाउंड टू बी, जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो कितना है, xi cap + 2j cap, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। इसमें कहा चार पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो चार पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया गया है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर, जब तो सर्कुलर मोशन करेगा, अरे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो हम जानते हैं अगर हम यहाँ लिखे वेक्टर बी डॉट वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ बातें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब ये तो जीरो हो जाएगा, अब एफ इक्वल टू एम में होता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्टली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन में चार पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है। ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या है, xi cap + 2j cap, डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें, ध्यान रखना। बी की क्या है, 2i cap + 4j cap × 10^2। अब करो आई के वाले से 2x और जे की जे वाले से 2 × 8 × 10^2, वो तो जीरो में चला जाएगा, इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा -4। ठीक है, तो -4 है क्या कहीं, है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, -4 इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमने ए डॉट बी कंडीशन है ना, इसकी परपेंडिकुलर, जब चार पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 60 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ 60 क्वेश्चन लिखा है, इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी
नॉट परपेंडिकुलर टू बी, तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, हेलिकल ट्रेजेक्ट्री होगी, कोई भी बता देगा। अब चाहिए कितने हो गए, 61 का कौन सा ऑप्शन आया इसका, 61 का आया सी, 61 देख वो 60 का आया सी 61। इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल कौन, देखो जो लिखा, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड, जो चार्ज पार्टिकल है ई वो मैग्नेट फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा, तो थीटा कितना हो गया जीरो, तो फोर्स कितना हो जाएगा क्यू वी भी साइन थीटा होता है चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स, तो थीटा जीरो तो चार्ज फोर्स भी कितना हुआ जीरो हो जाएगा फोर्स भी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। तो ये केस स्टडी समझ में आ गई आई होप तुम लोगों की, ठीक। बात करते हैं आगे की, जो कि क्या है, इसमें लिखा है लॉरेंज फोर्स एंड इट्स, तो देखो स्टार्ट करते हैं लॉरेंज फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, जो केस स्टडी है सेकंड नंबर की, इसमें लिखा है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, बात सही है, जो कि होता है सामने दिखा होगा। तो लिखा वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट, अपनी फिंगर को वी से बी की तरफ को घुमाते हैं तो फोर्स के डायरेक्शन को लगाते हैं थंब, ठीक बात है, एंड वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेट फील्ड वेक्टर एट एनी टाइम, द चार्ज पार्टिकल ट्रेवल इन ए स्पेशल ट्रेजेक्टरी कॉल्ड हेलिकल पाथ, जो किस एंगल थीटा पे एंटर करता है हेलिकल पाथ को मूव कराता है, ठीक है। बात सारी दे रखी है सबको, ठीक है। अब इसमें लिखा है 62 क्वेश्चन में लिखा है, पता पूछा है 62 क्वेश्चन का आंसर कि बताओ भाई क्या द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, अब फोर्स एक्सपीरियंस मतलब स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है तो वेलोसिटी कितनी होगी जीरो, तो फोर्स क्या होता है चार्ज पार्टिकल पे वी क्यू बी साइन, है ना, अब वी के वैल्यू का रखेंगे जीरो तो फोर्स आ जाएगा जीरो, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा जीरो होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन की पूछा है, 63 देखते हैं क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्या, ए प्रोटोन एंटर्स इन ए सोलेनोइड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस सोलेनोइड देन, तो क्या होगा जब सोलेनोइड के एक्सिस पे प्रोटोन सोलेनोइड है, ये मान लो हमारे पास सोलेनोइड है कि ये ऐसे सोलेनोइड है, ठीक है, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाता है, हम जानते हैं मान लो इस तरह से जा रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, अब इसके पास एक चार्ज पार्टिकल प्रोटोन है जो कि एंटर करता है इस तरह से वी वेलोसिटी इसके एक्सिस के अलोंग, तो देखो चार्ज पार्टिकल किस एंगल थीटा पे एंटर कर रहा है तो कैसा पाथ होगा हेलिकल पाथ प्रोड्यूस करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज फॉर्म हेलिकल पाथ, ठीक है। 64 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 64 में लिखा है ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एमिट्स बीटा रेज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शोन इन फिगर, द बीटा रे क्या होगा, अब देखो इसके साथ चल रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बीटा रे क्या होता है प्रोटोन होता है, बीटा रे मतलब प्रोटोन, बीटा रे क्या होता है प्रोटोन, मैग्नेटिक फील्ड के साथ चले मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और बीटा रे मान लो ये रही, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ थीटा जो हुआ वो जीरो हुआ, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी जीरो, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्या लिखा है विल नॉट डिफ्लेक्टेड, जब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी तो डिफ्लेक्टिंग नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें यहाँ तो 65 में लिखा है डायपोल इज थ्रोन इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी द डायपोल विल बी, तो क्या होगा देखो डायपोल रोटेट करने लगेगा, अरे जैसे डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे तुम तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो एक पे फोर्स आगे को एक पे फोर्स ऊपर को एक पे फोर्स नीचे को, तो क्या करने लगेगा रोटेट करने लगेगा, तो रोटेट करेगा और मूव अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रोटेट कर क्योंकि कैसा कैसा है नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी ने फेंका है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ठीक है। अब 66 की बात अगर हम करें यहाँ तो 66 में लिखा था फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज नॉट, द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वी एंड वी, नहीं गलत बात होता है, मैक्सिमम इफ वी इज परपेंडिकुलर टू बी मैक्सिमम वी इज पैरेलल टू बी, देखो द फोर्स फोर्स कितना होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, अगर थीटा को क्या कर दिया जाए 90 डिग्री तो फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा जो कि क्यू वी बी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, वी एंड बी अगर मैक्सिमम हुए वो परपेंडिकुलर हो तो फोर्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये केस स्टडी थी हमारे पास, कौन सी सेकेंड केस स्टडी जो आई होप तुम लोगों की समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं, इसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है, देखो इसमें नॉलेज दी गई है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड, सोलेनोइड का देखो वही सब कुछ दे रखा जो पिछले दिया है, ध्यान से पढ़ो इसमें लिखा है जो जो है ना फिगर दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है मोहन टाइटली बाउंड ए वेरी लॉन्ग कॉपर वायर ऑन ए पीवीसी पाइप एंड केयरफुली टुक द पाइप आउट, ठीक है पाइप को निकाल लिया, द टू एंड ऑफ द कॉपर वायर अटैच टू द बैटरी, तो वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा, दिस सिलिंड्रिकल शेप वायर शोड फ्यू प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, लेटर ही फाउंड दैट ही इट इज कॉल्ड सोलेनोइड, ठीक बात है यहाँ पे, अब ये सोलेनोइड का मैग्नेट म्यू नॉट एन आई टी रखा है, ठीक है। अब 67 क्वेश्चन ने पूछा है क्या कहा, 67 क्वेश्चन में कहा है क्या ए लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 400, नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसके बाद 400 है भैया, कोई बात नहीं,
और करंट कितनी है इसके पास, आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पीयर की करंट है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मतलब बी बताना, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, म्यू की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10^-7, ठीक है, इंटू एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न जो कि कितना रखा है 400, करंट कितनी है 1.5, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ क्या पूछे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो सिंपल सी बात है किस पे डिपेंड करती है, देखो यहाँ जो म्यू नॉट है सोलेनोइड के लिए होता है, इसे पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में ठीक है, तो जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 × 3.14 × 400 × 1.5 × 10^-7, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.53 समथिंग × 10^-3 टेस्ला, या लिखा जा सकता है क्या -2 टेस्ला है ना, -4 टेस्ला लिखा जा सकता है, 0.8 मिली टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर शायद जो कि मुझे लग रहा है डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं 68 क्वेश्चन के, 68 क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप इंट्रोड्यूसिंग अ सॉफ्ट एंड कोर, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर इन द सोलेनोइड, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी अगर मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाता है बस Ni, म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव परमेबिलिटी से आ जाता है मैग्नेट, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका। 69 क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड कांट बी इंक्रीज, अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड की इंक्रीज नहीं की जा सकती, सोलेनोइड की स्ट्रेंथ म्यू नॉट एन इंटू आई, आई इंक्रीज कर दो तो इंक्रीज हो जाएगी, एन इंक्रीज कर दो तो इंक्रीज हो जाएगी, म्यू इंक्रीज कर दो तो इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन पढ़ते हैं, डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी ए ही है बस, है ना, डिपेंड ही नहीं करती इस पर तो इंक्रीज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी करते हैं, करंट के वैल्यू पे भी करते हैं, मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, देखो साफ साफ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 70 अगर हम बात करें यहाँ तो क्या पूछा है, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनोइड इज, आउटसाइड सोलेनोइड का आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0, सोलेनोइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो सबको पता है सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0, बहुत बढ़िया। अब 71 क्वेश्चन की बात अगर हम करें, 71 में क्या लिखा है, देखो द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज, अब सेंटर जो पास होती है सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड में वो स्ट्रेट लाइन होती है और बाहर आते आते इलिप्टिकल टाइप के हो जाते हैं, सर्कुलर टाइप के ना, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, चूंकि क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट केस स्टडी पढ़े तो गैल्वेनोमीटर का उपाय जो कि हमने सुना है, सेंसिटिव डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आती है, दिख रहा होगा फिगर में, अच्छे से पढ़ लो इसे, है ना, अब 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी वीडियो पॉज कर करके आंसर दो इनके, चलो आई होप तुमने पॉज करके देख लिया होगा। 72 क्वेश्चन की बात करते हैं, 72 क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो गैल्वेनोमीटर के लिए, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच, नंबर फर्स्ट इज यूज टू मेजर ईएमएफ, गलत बात है, पोटेंशियोमीटर होता है वो, नंबर टू यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, गलत बात है, वोल्टमीटर होता है वो, सी यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, गलत बात है, बस डी ऑप्शन ही बचा वही सही होगा जो कि लिखा भी है, डिफ्लेक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स डिफ्लेक्शन व्हेन करंट फ्लो, से वाली करंट फ्लो होते स्विच डिफ्लेक्ट होती है ना, तो डिफ्लेक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट है जो कि डी है। 73 क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ तो लिखा है टू मेक द फील्ड रेडियल इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो कैसे सिलेंडर करता है बताया था गैल्वेनोमीटर में पढ़ाते हुए, जब गैल्वेनोमीटर के रेडियली हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराना होता तो मैग्नेट कैसे रखते हैं सिलिंड्रिकली कट पोल टाइप में इस तरह की रखते हैं ना, ये इस तरह से ये रेडियल मैग्नेट फील्ड होता है बाबूजी, ये है ना, ये नॉर्थ ये साउथ और इस तरह से जाती है मैग्नेट फील्ड लाइन, ये तो ये होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सिलिंड्रिकली कट होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 74 की अगर हम बात करें, 74 में क्या पूछा है, देखो इसमें लिखा है द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, जो डिफ्लेक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसको का एंगल टर्न के, जो भी डिफ्लेक्शन होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अब देखो ये होता ही क्या है, आई इक्वल टू जी इनटू थीटा आता है और जी का होता है एन बी ए थीटा अपॉन के, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें लिखा पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्जनल कांस्टेंट, गलत बात है, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, के टॉर्जनल कांस्टेंट है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, बात सही, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 75 की बात करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल ऑफ
एंड टर्म्स ऑफ एरिया ए एंड कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क ऑन ए कॉइल। टॉर्क लगने वाला कॉइल पे कितना होता है, टॉर्क कितना लगता है कॉइल पे भैया, एन बी ए, कितना लगता है एन बी ए इंटू आई, यही तो टॉर्क होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 76 की अगर हम बात करें यहाँ, क्या लिखा, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी शुड डिक्रीज करंट सेंसिटिविटी, देखो ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट थीटा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन स्कोर करंट सेंसिटिविटी हो जाएगा एन बी ए अपॉन के, ये फॉर्मूला होता है, के को डिक्रीज करो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेंटो मैग्नेट क्या करने पर, अगर बी को डिक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी तो डिक्रीज हो जाएगी, केवल यही चीजें घटाने पर बढ़ेगी, तो घटाने वाला देख लो टॉर्क कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग, हाँ ऐसा घटाएंगे तो बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां से हमने चैप्टर नंबर 4 के सारे एमसीक्यू कर दिए, लगभग 70+ एमसीक्यू हो चुके हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी आप और सैंपल पेपर निकाल सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है, और वैसे भी अगर इतनी करके चले जाते हो और फॉर्मूले याद रखते हो चैप्टर के तो भी बहुत अच्छा फोड़का होगी। ऑल द बेस्ट, मेरी यही आशा है कि एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पेपर कैसा गया है। तब तक के लिए।